अब तक हमने बिल्डिंग ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है। अब थर्ड पार्ट में हम इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसको समझेंगे कि अगर हम बीच में से बिल्डिंग को काट कर किस तरीके से उसका व्यू दिखाते हैं। इस प्लान में यहाँ पर हम पेंसिल से दिखाएंगे और इसको हम इस तरीके से नाम देंगे, जैसे इसका देंगे ए, और जहाँ पर इसका मोड़ आ जाएगा यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो ये जो क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल ए बी सी डी। जब हम व्यू बनाएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए बी सी डी, नीचे इस तरीके से लिखेंगे ए बी सी डी, और फिर यहाँ पर बनाएंगे इसका जो हमारा ड्राइंग होगी। अब बनाएंगे किस तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम इस बिल्डिंग का अब ये पार्ट तो हट गया है, अब हम इस तरीके से देख रहे हैं बिल्डिंग को और बनाएंगे इसको सीधा ही, यानी जो क्रॉस सेक्शनल व्यू बनता है वो बनता ऐसे ही है एलिवेशन की तरह, लेकिन वो सामने से बिल्डिंग को ना दिखा करके काट करके बिल्डिंग को दिखाया जाता है अंदर से। यहां अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे प्लिंथ लेवल। ये रहा हमारा प्लिंथ लेवल, ये हमने प्लिंथ लेवल बना दिया। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? इसकी लंबाई इतनी रहेगी जितनी की यहां से लेके यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी, ऊपर का ये जो पॉइंट है, ऊपर की दीवार, वहां से लेके ये जो बिल्कुल नीचे की दीवार है यहां तक की कितनी दूरी है, क्योंकि इसी को हम, जैसे ये हमारा इस तरीके से घर है, इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, जो इस तरीके से दीवारें खड़ी हैं ये है दीवार। अब इसमें यहां तो हम देख रहे थे प्लान में, अब इसी दीवार को हम इस तरीके से खड़ा होकर के यहां पर देखेंगे, ऐसे। ये है एलिवेशन व्यू। यहां से यहां तक की हमारी दूरी शुरू में आई थी 8.4 मीटर। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे अपनी ड्राइंग में 8.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये हो गया 252 mm। तो हम यहां से यहां तक लाइन खींचेंगे 252 mm की, यानी 25.2 सेंटीमीटर की, या 252 mm की। अब ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ये यहां पर इसमें आपको एक एरो दिखाई देगा, जैसे यहां पर, तो यहां पर ये था एरो, ये एरो, और ये इस तरफ होगा एरो। इसी में यहां पर हमने दिखाया है ये वाला एरो इस तरफ, इस ये एरो अगर इस साइड है, इसका मतलब है कि इसके पीछे की बिल्डिंग हटा देनी है और जो बनेगा डायग्राम वो इस तरफ को देखते हुए बनेगा, इस डायरेक्शन में, यानी इसका डायग्राम बनेगा सिर्फ, ये बिल्डिंग हट जाएगी। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा लेफ्ट में क्या चीज आएगी, ये वाली चीज आएगी। अब ये क्या था, ये यहां से जो बीच में ये जा रही है लाइन काटती हुई, तो ये एक गेट को जा रही है काटती हुई, ये लाइन एक यहां पर एक गेट था, ये एक गेट था, उस गेट को इसने काट दिया है बीच में से। लेकिन ये गेट जो ऊपर जा रहा होगा, जैसे ये क्या है, ये एक रूम है, ये रूम की हाइट है कितनी, 3 मीटर हमने मान लिया, ये है रूम की हाइट 3 मीटर। अब ये जो दीवार है, ये पूरी 3 मीटर तक दीवार है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर ये गेट है वहां पर गेट ऊपर तक थोड़ी होगा दीवार तक, गेट तो कहीं एक ऊंचाई तक होगा और उसके ऊपर दीवार होगी, यानी कि यहां पर जो गेट की हाइट है वो 2.2 मीटर है, जबकि दीवार कितनी है 3 मीटर की। तो हम बनाएंगे किस तरीके से ये ड्राइंग, यहां पर एक बनाएंगे 3 मीटर की दीवार। 3 मीटर को करने के लिए हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 30, यानी 90 mm की बनाएंगे दीवार। अब 90 mm की दीवार बनते ही हमें सीधा काम ही कर लेना है, ऊपर छत तो सबके लिए बराबर ही आएगी, तो सबसे पहले हम छत बना लेंगे। छत थोड़ी सी आगे तक आएगी, कितनी आगे आएगी, ये जो हमने यहाँ पर जितनी आप यहाँ पर आगे दिखाओगे, जितनी यहाँ पर आगे दिखाई होगी उतनी ही आगे यहाँ पर दिखानी पड़ेगी आपको, ये पहली वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। और थिकनेस इसकी हमने दी थी 0.15 मीटर, इसकी गुणा करेंगे 30 से, यानी 4.5 mm की आपको ये थिकनेस दिखानी है इसकी, मोटाई छत की। अब यहाँ पर एक दीवार ये आ चुकी, लेकिन ये पूरी दीवार, ये तो सेक्शन यहां से आ रहा है जबकि दीवार तो यहां थी, तो यहां की दीवार नीचे दीवार नहीं थी, नीचे था गेट, ये यहां तो पूरे में दीवार है, लेकिन यहां पर देखें तो नीचे तक यहां तक आ रहा है गेट, उसके ऊपर आ रही है दीवार, तो 2.2 मीटर तक आ रहा है गेट। 2.2 मीटर कितना, 2.2 × 30, 66 mm तक आ रहा है गेट।
तो हम गेट के लिए इस तरीके से एक एक लाइन बना देंगे और यहां पर बीच में इस तरीके से डॉटेड लाइन या फिर बिल्कुल सीधी एक प्लेन लाइन हम दिखा देंगे। इससे पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये हमारा गेट है। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि हम बीच में से काटते हैं और जब जब हम ड्राइंग में जिस भी चीज को काट देंगे उसका हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, यहां से गेट को काट दिया, गेट बना दिया, जबकि यहां पर हमने गेट काटा नहीं था तो हमने खाली छोड़ दिया था। अब जब क्रॉस सेक्शन में हमने काटा है तो गेट कटा है और गेट के ऊपर की जो दीवार थी, जो गेट के ऊपर लिंटल है, लिंटल के ऊपर की जो दीवार है वो भी काट दी हमने। जब काट दी है दीवार तो दीवार का पैटर्न बनाना पड़ेगा और दीवार बनती है ईंटों की और ईंटों का पैटर्न होता है ये वाला, तो ये वाला पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने काट दिया है दीवार को। नहीं काटा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद देख तो हम इस साइड ही रहे हैं, ये है वॉशरूम। वॉशरूम में एक हल्की सी दीवार ये आ रही है नीचे को, हल्की सी दीवार ये आ रही नीचे को और साइड में ये क्या है, ये हमें दिखाई देगा एक गेट। दूरी कितनी है, तो दूरी इसके अंदर से लेके यहाँ तक की अगर हम दूरी देखें, हमें क्या क्या देखना है, यहाँ से देख रहे हैं तो ये दीवार यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ तक की बात हो गई। अब इससे आगे थोड़ी सी दीवार आ रही है, ये वाली दीवार आ रही है नीचे को हल्की सी, यानी यहाँ पे पूरे में हल्की सी दीवार आ रही है और इस दीवार के थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है गेट, जो ये वाला गेट है, ये गेट इसके आगे स्टार्ट हो रहा है। तो हम करेंगे यहां से थोड़ा सा आगे गेट बना देंगे एक, ये बन गया गेट, गेट दिखाई दे रहा पूरा। अब ये थोड़ी सी दीवार ये और है एक्स्ट्रा। अब ये जो दीवार है ये भी कितनी है, कैसे कैसे पता लगेगा, जब हमने पहले बनाया था तब पता लगा था, ये तो दूरी है 0.35, दीवार की हमें दी गई थी 0.35 मीटर। जब तक इसके पहले के पार्ट नहीं देखेंगे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, 0.35 मीटर प्लस थोड़ी सी दूरी यहां पर छोड़ दी थी हमने, कितनी छोड़ दी थी, पूरा पूरा गेट कितना था हमारा, डी ए डोर सेकंड था, ये था 0.8 और पूरी दूरी थी ये हमारी 1 और 0.8 गेट ये है, यानी कि 0.1 की दूरी यहां है और 0.1 की दूरी यहां है। 0.1 की दूरी यहां पर हमने दिखा दी कितनी होनी चाहिए थी, 0.1 × 30 यानी 3 mm की दूरी ये हम दिखाएंगे। और ये वाली दूरी कितनी है, 0.35 + 0.1 यानी 0.45 मीटर की, और 0.45 × 30 यानी 13 mm का हमें यहां पर दिखाना है। तो 13 mm की यहां से यहां तक क्या आ गई है, दीवार आ गई है और दीवार ये पूरी यहां से ऊपर तक जा रही होगी। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया 13.1 मीटर पे एक दीवार, ये गेट हमें दिखेगा पूरा सही से। तो हम गेट को ठीक से बना देंगे जिस तरीके से होना चाहिए, एक और लाइन बनाएंगे अंदर, एक बार ठीक से बना देते हैं इसको, इस तरीके से डबल लाइन बनेगी ये गेट की। यहाँ पर इसका बना देंगे हम हैंडल, ये हो गया गेट, ये पूरा बनेगा गेट, ये 1-1 mm दूरी पर हम बना देंगे गेट जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। यहाँ तक हो गई दीवार। इस दीवार का हमने पैटर्न नहीं बनाया है क्योंकि ये दीवार हमने काटी नहीं है, काटी हमने ये वाली दीवार थी गेट के ऊपर वाली, इसका हमने पैटर्न बनाया। ये दीवार देखो दूर रह गई हमारे क्रॉस सेक्शन की लाइन से, जहाँ से हमने काटा है दूर रह गई, तो हमने यहाँ पर इसका पैटर्न नहीं बनाया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलते हुआ आ रहा है, यहाँ तक भी कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस साइड से, राइट साइड से आ जाएंगे अब हम बनाते हुए, जैसे यहाँ से, या फिर चलो यहीं से ही बनाते हैं। अब इस लाइन के बाद यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ये था 3 m/4 m, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 m और ये हो गया 4 m, ये हो गया 3 m, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 m और 3 × 3 × 30 90 mm। तो यहां से 90 mm की दूरी पर एक दीवार और आ रही है, ये वाली, ये कौन सी दीवार है, यहां से ये वाली दीवार है, ये वाली। और इस दीवार को अगर हम देखेंगे कितनी है, ये भी
0.35 की दीवार सारी सेम है, 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 10.5 एमएम की दीवार, 10.5 एमएम की दीवार ये रही। फिर लेकिन एक यहाँ चीज हुई है, यहाँ जो हमने काटा है ना ये दीवार, इसको हमने यहाँ से काट दिया है, पूरा काट दिया है। और नीचे क्या था, सेम केस, नीचे इसमें था गेट यहाँ तक और ऊपर थी दीवार, और दोनों को हमने काट दिया है। गेट को काटेंगे, गेट की हाइट सेम रहेगी भाई, और यहाँ बीच में एक लाइन दिखा देंगे, गेट है ये, और ऊपर जो हमने दीवार काट दी है तो हम दीवार को पूरी तरीके से दिखा देंगे कि दीवार भी हमने काट दी है, उसका क्रॉस सेक्शन में आ गया। जो जो क्रॉस सेक्शन में कटता रहेगा केवल उसी उसी का हम पैटर्न बनाएंगे। अब इसके बाद लास्ट में फाइनल है ये वाली दीवार, ये दीवार हमने पूरी ही काट दी है, तो यहाँ कोई गेट वेट कुछ नहीं है, तो इसको हम पूरा बनाएंगे। ये है दीवार, अभी यहां तक हमारा ये मकान केवल ऊपरी ऊपरी बना है, अभी नीचे की थोड़ी सी नींव फाउंडेशन भी इसमें दिखानी पड़ती। अब नीचे दिखाने के लिए क्या करेंगे, अब जब यहां तक तो हमको ऐसे ही दिखाई देता है मकान, इसके नीचे यहां पर पड़ी होती है डीपीसी के लेयर, ये पड़ी होती है डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स के लेयर, इसको हम थोड़ा सा डार्क बनाएंगे, इसको हम डार्क बनाएंगे डीपीसी, और यहां पर लिख देंगे बकायदा कि ये है डीपीसी, नाम सबके हम बाद में लिख देंगे। इसके नीचे पहले आएगा प्लिंथ, और प्लिंथ के लिए क्या है, इसकी हमें फाउंडेशन भी दिखानी पड़ेगी। प्लिंथ उसने पहले ही कहा था कि प्लिंथ हमें रखना है 0.5 mm का, 0.5 मीटर का, यानी 15 mm का, 15 mm कहां तक, कहां पर आएगा, यहां पर, यानी ये है ग्राउंड लेवल और ये है प्लिंथ। अब ऊपर से ये दीवार आती है, दीवार की हमें नींव दिखानी पड़ेगी, और अब नींव के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उसकी नींव दिखाते कैसे हैं। अगर ये नींव समझने में, ये नींव को बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, इसके अगली वीडियो में ये बता दिया जाएगा कि दीवार का जो नींव होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। जो प्लिंथ के नीचे, जैसे यह क्या है, ये तो इसका लेवल हो गया, ग्राउंड ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर, यहाँ हमने भराव किया है। असली में जो ग्राउंड है, जो आम लोगों का घर है या आगे जमीन है, वो तो ये है ग्राउंड लेवल पर। हमारा मकान ऊंचा है, हमारा मकान है प्लिंथ लेवल पर, जो कि है 0.5 मीटर ऊंचा। अब जितनी दीवारें ऊपर से चौड़ी आती है ना, प्लिंथ के नीचे तुरंत वो और चौड़ी हो जाती है। दीवार ऊपर से आई 0.35 की, यानी 35 सेंटीमीटर की, ये दीवार नीचे प्लिंथ के नीचे आते ही 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे, यानी जो 35 सेंटीमीटर है ये हो जाएगी 45 सेंटीमीटर की, 35 सेंटीमीटर की दीवार हो जाएगी 45 सेंटीमीटर की। अब 45 सेंटीमीटर की दीवार 10 बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ से इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, ये पूरी दीवार ये 45 सेंटीमीटर की हो जाएगी, जहाँ जहाँ भी फाउंडेशन है, जहाँ जहाँ भी दीवार आ रही है वहाँ, ये हमने 45 सेंटीमीटर कर दी, 45 यानी 0.45 मीटर, और गुणा करेंगे 30 से, 13.5 mm की हम यहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये तो लेवल आएगा नहीं, ग्राउंड लेवल ही तो समझाने के लिए बताया गया था, क्योंकि हम तो पूरा काट दिया ना, हमने तो पूरा सेक्शन ही काट दिया, सेक्शन काट दिया तो नीचे तक का सब कुछ काट दिया हमने, तो इस वजह से यहाँ पे हम पैटर्न बनाना पड़ेगा ईंटों का। ये बनेंगी ईंटों से, तो हमें ब्रिक का पैटर्न बनाना पड़ेगा, ब्रिक का पैटर्न होता है ये वाला, जबकि कंक्रीट का क्या होता है, कंक्रीट को हम दिखाते हैं इस तरीके से, ये बीच बीच में ट्रायंगल बना देंगे टेढ़े मेढ़े, ये ट्रायंगल बना देंगे, और ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम डॉट डॉट डॉट्स दिखा देंगे, ये होता है कंक्रीट। ये है भराव, तो भराव में कुछ नहीं, हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख के यहाँ लिख देंगे फिलिंग, कि ये फिलिंग है, भराव है बस। अब इसकी जो फाउंडेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमें एक तो इसने बता रखा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, अगर नहीं बता रखा होता तो हम अपने हिसाब से ले लेते। उसने हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बताया है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से नीचे कहाँ तक फाउंडेशन जा रही है उसने बताया है, ये बताया उसने 2 मीटर, तो इस ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे हमें फाउंडेशन बनानी है, उसके नीचे तक नहीं जाएगी फाउंडेशन। और सबसे नीचे से चौड़ी कितनी रहनी है, वो जितना ऊपर ये है 35
सेंटीमीटर, इसका तीन गुना रहना है, यानी 35 का तीन गुना 90 और ये हो गया 105, 105 का रहनी है यहां पर 105। और गहराई कितनी रहनी है, गहराई यहां से यहां पर रहनी है 2 मीटर, जो कि उसने हमसे कह ही दिया है कि 2 मीटर गहराई रहनी है। और गहराई होती है नीचे तक की, बिल्कुल नीचे तक की गहराई। और सबसे नीचे की जो लेयर बिछती है, ये लेयर बिछती है कॉन्क्रीट की, इसमें हम कॉन्क्रीट का डिजाइन बना देंगे। ये हो गया कॉन्क्रीट, क्लियर। अब यहां के बाद इसके ऊपर कैसे स्टार्ट करना है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है इसकी इसकी दोगुनी। जैसे ये 35 सेंटीमीटर की है तो ये होगी 70 सेंटीमीटर की, यहां से ये होगी 70 सेंटीमीटर की। और इसके बाद फिर हम इसको मैच कर देंगे ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से, और ये हो गया पूरा कंप्लीट हमारा। बस ये हो गई इसकी पूरी पूरी फाउंडेशन। बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ये सबसे नीचे की लेयर रहनी है कॉन्क्रीट की लेयर, जबकि ये भी ईट है ब्रिक, ये भी ईट है, ये भी ईट है, ये भी ईट है, ये सारी सारी मशीनरी है। जब मशीनरी सेम मटेरियल है तो ये बीच की ये लाइंस हम नहीं दिखाएंगे, इसमें ये लाइन नहीं दिखाएंगे, ये जब मटेरियल चेंज होगा तभी दिखाएंगे, यहाँ लाइन नहीं दिखाएंगे। और इसका पैटर्न बना देंगे जो कि मशीनरी का पैटर्न होता है, मशीनरी का पैटर्न होता है ये वाला ब्रिक मशीनरी का, ये वाला पैटर्न है, ये है ब्रिक मशीनरी का पैटर्न। अब क्या सारी फाउंडेशन बनानी है, नहीं सारी फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इनको नीचे लेकर के इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी का हम साइन दिखा देंगे कि ये इस तरीके से ही आगे कॉन्टिन्यू है, तो हमें बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये इस दीवार की हमने फाउंडेशन नहीं दिखाई, हम ये मानना है यहाँ पर कोई दीवार है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे एक गेट मान लें दरवाजा, तो दरवाजा है यानी ऊपर भी दीवार होगी, ऊपर ही दीवार होगी, तो नीचे चौखट के नीचे भी फाउंडेशन होगी, तब हम दिखाते। लेकिन यहाँ कोई गेट तो है नहीं, ये तो यहाँ तक दीवार आ रही है बस, और फिर यहाँ ये तो खुला है बिल्कुल, इसलिए हमने यहाँ पर कोई नहीं दिखाई, नहीं तो यहाँ पर भी हमें फाउंडेशन दिखानी पड़ती। सारी फाउंडेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, एक फाउंडेशन दिखा देंगे आप बस, और उसके अंदर लिख देंगे कि ये कितनी कितनी डायमेंशन है। जैसे ये था 35, ये हो गया 1.05 मीटर का, और ये वाला आपको हो गया 0.7 मीटर का, और इसके ऊपर हम 10-10 कम कर जाते हैं, 0.6 हो गया, 0.5 हो गया, और ये 0.45 हो गया 45, और ये हो गया 35, इस तरीके से। अब इन सब के नाम कैसे लिखते हैं हम ड्राइंग में, ये हो गया डीपीसी लेयर, यहाँ पे लिख देंगे ये डीपीसी लेयर, यहाँ पर फिलिंग लिखी दिया हमने, इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर डोर, ये हो गया डोर, यहाँ के डायमेंशन दिखा देंगे, ये 0.8 है, यहाँ से 2.2 है ये, और यहाँ के लिए दिखा देंगे ये क्या है, ये स्लैब है, स्लैब इसकी थिकनेस कितनी हो गई, थिकनेस थी हमारी इसकी 150 mm थिकनेस हो गई। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और कलाकारी दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा ऐसे दिखा देंगे, एक लेयर और दिखा देंगे, और इस एक लेयर को हम क्या बोल देंगे कि हमने इसके ऊपर फ्लोरिंग डाल दी है, फ्लोरिंग में आप पत्थर कह लो या फर्श फर्श कह लो, हम इसको लिख देंगे फ्लोर फिनिश। अब इसे पत्थर डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, यानी स्लैब के ऊपर, छत के ऊपर भी हमने कुछ डाल दिया है इसमें फ्लोर फिनिश। यही सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन खींचने के बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि ये है फ्लोर फिनिश, ये छत के ऊपर था तो ये रूफ फिनिश हो गया, रूफ फिनिश ना होकर के ये रूफ फिनिश हो गया। ये इस तरीके से हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा एलिवेशन व्यू, लिखेंगे नीचे इसमें कि एलिवेशन व्यू, एलिवेशन ऑफ ए बी सी डी, एलिवेशन व्यू है क्रॉस सेक्शन का, और ये हमारा हो गया प्लान। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश, लगभग इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। बस इसमें हमें कुछ ही बातों का ध्यान रखना है कि प्रॉपर एक सफाई होनी चाहिए, और यहाँ पर एरो हमें ठीक से बनानी है, डायमेंशन ठीक से दिखानी है, और जो भी कुछ इसमें बनना है वो बनना है स्केल, जो भी स्केल हम शुरू में लेंगे उसकी गुणा करके बनना है, सब कुछ स्केल के अकॉर्डिंग ही बनना है एमएम में। लेकिन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा उसको मीटर में, या जो रियल में उसकी डायमेंशन है, जो रियलिटी में वो उसकी डायमेंशन है लिखा जाएगा वो, जबकि ड्राइंग में हम बनाएंगे उसको एमएम में। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और थोड़ी सी सफाई रखनी है। जब पेपर पर हम ड्राइंग करेंगे तो अगर जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें हाथ अगर गीले हो जाते हैं, कई बार पसीना आ जाता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। बीच में हम पहले हम पेपर रख लेंगे और उसके ऊपर ही अपना हाथ रखेंगे, ताकि पसीने से, अगर पसीना आ रहा है
तो वो ड्राइंग खराब ना हो जाए। या कई बार क्या होता है, हम ऊपर से ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ऐसे नहीं करेंगे पहले नीचे बना लिया फिर यहाँ बना लिया, क्योंकि जब कई बार हम नीचे बना लेते हैं फिर हम इस तरीके से हाथ रख लेते हैं तो यहाँ का मिट जाता है थोड़ा सा हमारे कपड़ों की वजह से, हाथ की वजह से, और वो ड्राइंग स्मज हो जाती है और फैल जाती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती। ड्राइंग जितनी अच्छी अच्छी लगेगी उतने मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे।